हैं कि काफ़ी भारी तादाद में लोग बाग एनआरसी सीए का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार ये लोग क्या वाले हैं, जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर एनआरसी सीए का विरोध हम लोग चलेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल रहा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। सरकार से ये करिए पीछे नहीं हटेगी चाहे कुछ भी हो जाए। पीस पार्टी तब तक संघर्ष करेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। तो ये हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद मार्ग का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं और भी लोगों से जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि क्या करने वाले ये लोग, आगे का मुद्दा क्या है। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम स्वामीन राजा, युवा जिलाध्यक्ष गाजियाबाद। और सर आप किस लिए यहाँ पर आए हैं? हम आए हैं यहाँ एनआरसी सीसीए एनपीआर के लिए, सीए को लेके। सर सरकार ये कहती है कि जो सीए है आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे नागरिकता किसी की जान रही है चाहे वो भले मुस्लिम कौम का क्यों ना हो, फिर आप लोगों को तकलीफ क्या है? नागरिकता कौन कह रहा है नागरिकता नहीं जा रही है? आप सीसीए को देखो ना कैसे क्या क्या छुपा हुआ है उसमें, सीए में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है और नागरिकता में बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं, छुपी हुई हैं। आप खुल के देखिए इस कानून को लाने की जरूरत क्या थी, इन लोगों पे आधार कार्ड पहचान पत्र तो पूरे बनते नहीं है, कानून लाएंगे क्या लाएंगे कानून? ये वो ये कह रहे हैं कि ये देश हित के लिए हम ला रहे हैं, देश हित के लिए, देश हित के लिए बॉर्डर टाइट करो, जो बाहर से अंदर कोई नहीं आया अभी तक। हम अपने देश से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा वीजा बनता है, हमारे देश का कोई भी नागरिक कहीं भी जाएगा तो उसका वीजा बनेगा। और क्या हमारे देश में कोई आता है उसका वीजा बनता है? कितनी पब्लिक आ रही है, कहाँ से आ रही है, बॉर्डर तक तो इन पर सील होते नहीं है। ये क्या करेंगे, क्या कानून लाएंगे, ये पब्लिक को मरवाने का काम कर रहे हैं। जिन्ना वाले यदि कुछ चाहिए, जिन्ना कोई हमारा प्रमुख था, कोई कौन था जिन्ना, हमारा जिन्ना था, जिन्ना ने पहले ही बंटवारा कर दिया, ये दूसरे जिन्ना आ गए बांटने के लिए, क्यों चाहिए हमें जिन्ना वाला आज़ादी? हम भारत के हैं, भारतवासी हैं, हमें भारत वाली आज़ादी चाहिए, जैसे हम पहले से रहते आए हैं हमें ऐसी आज़ादी चाहिए। कौन होता जिन्ना, क्या था जिन्ना, कौन चल रहा जिन्ना का, जिन्नों का कोई उसूलों पर चल रहा है भारत में? ये जबरदस्ती जब इन्हें कुछ नहीं मिलता तो पाकिस्तान, जिन्ना कहाँ से आया जिन्ना? जिन्ना भी तो यहीं से गया है, जब जिन्ना चला गया तो गया तो गया, अब क्या रहेगा जिन्ना गया? अब जिन्ना हिंदुस्तानी नहीं है, जिन्ना पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी हम हैं, अपने हिंदुस्तान की जो है संविधान को हम बचाएंगे। जिन्ना कुछ करने नहीं आया गया, ना जिन्ना को कोई लेने देना है। मेरा ये कहना है जी भाई साहब जी कि जो बाहर मुल्कों से आए हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिन्हें शरणार्थी कह के नागरिकता दे रहे हैं, इसी तरीके से जो मुस्लिम भी बाहर मुल्कों से आए हुए हैं उनको नागरिकता ये भारत सरकार क्यों नहीं दे रही? इन्हें या तो सभी को नागरिकता देनी चाहिए या सभी को नागरिकता कैंसिल करनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है जी बस। क्या निकालना हो तो सारे घुसपैठियों को निकाले, आप समझ गए? जब आप घुसपैठिया करते हैं तो घुसपैठिया जो है सिर्फ भारत के अंदर मुसलमान नहीं है। और दूसरी बात, घुसपैठिया कहाँ का भाई, कैसे घुस गया आपके देश में? आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही है? जिम्मेदार सबसे पहले आपकी सुरक्षा है, आप हैं कि वो घुसपैठिया घुस कैसे गए? जितना यदि घुसपैठिया आरोपी है उतने ही आरोपी आप हैं, समझ रहे हैं? तो आप घुसपैठिए की बात ना करें, ना आप जिन्ना की बात करें, ना पाकिस्तान की बात करें, ना किसी चीज की बात करें। जिन्ना कब का खत्म हो गया? जिन्ना को जिंदा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? जिन्ना से हिंदुस्तान के मुसलमानों का लेना देना क्या है? जिन्ना का तो हम हिंदुस्तान के मुसलमानी भाई कभी नाम भी नहीं लेते, आप जिंदा का बार बार जिक्र करते हो, पाकिस्तान का आप दिन भर सोते उठते बैठते जिक्र करते हो, हमें पाकिस्तान जिन्ना से मतलब क्या? हम हिंदुस्तान के इस तिरंगे के नीचे पैदा हुए, इस तिरंगे के नीचे ही मरने वाले, यही सब कुछ है हमारा। शाहीन बाग में देख सकते हैं लगातार 65 दिन से ज्यादा महिलाएं जो धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं, पूरा ठंड निकाल दिया रोड पर, क्या कहना चाहेंगे? सरकार तक शायद बात नहीं पहुंच रही। सरकार सुन कहां रही है, सरकार को दिख कहां रहा है? सरकार तो कहती है रोड से जनता को हटाओ, रोड किसके लिए बनाया जाता है? जनता के लिए ही तो बनाया जाता है, जनता ही हट जाएगी किसके लिए बनाया जाएगा रोड? तो सर वो ये कहता है ना कि रोड बनाया गया है लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए, आप लोग उसको और वो जो बैठे हैं वो कौन बैठे हैं, वो लोग नहीं है क्या? वो उनकी समस्या है, उनकी समस्या सुनने अभी तक कोई गया है? आज इतने दिन हो गए हैं बैठे हुए उन्हें, आज अभी तक कोई गया है वहाँ समस्या सुनने? क्या इन लोगों को इतना टाइम भी नहीं कि हमारा देश खतरे में आ चुका है, दिल्ली से कितना बड़ा सबक मिला है इन्हें, क्या वहाँ पूछने जाना चाहिए क्यों बैठे हैं लोग? रोजगार नहीं मिला,
लोग पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, कर्ज लेकर के पढ़ाते हैं, सोचते हैं मेरा बेटा कोई कुछ बनेगा। क्या अभी तक कोई वैकेंसी निकली? नहीं निकली। जो लोग लगे हुए थे उन्हें बाहर निकाल दिया। और आप देख रहे हैं यूपी से 1.5 लाख लोगों को बाहर निकाला है, तो डंका तो इनका बजेगा ही। जितने भी कॉन्स्टेबल थे बेचारे सबको बाहर निकाल दिया, जितने होमगार्ड थे उन्हें बाहर निकाल दिया। कहाँ से पालेंगे वो अपने बच्चों को? ये घटना है तुम्हारा गोरखपुर की, और गोरखनाथ मंदिर के बराबर की घटना है जहाँ योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। क्या उनकी आंखें बंद हैं? जहाँ पुलिस वाले एक बेटी की इज्जत लूटते हैं, प्लेटफॉर्म पे ले जाके बेटी की इज्जत लूटी जाती है। क्या कर रही है योगी सरकार और क्या कर रही है मोदी सरकार? क्या चला रहे हैं बेटी, क्या बेटी पढ़ाएंगे? जिनकी जिस जगह हमारा सीएम बैठता है, जब वही जगह सुरक्षित नहीं है तो हमारा तो यूपी सुरक्षित नहीं है। और बात रही भारत की, भारत में अभी आपने देखा होगा कितना बड़ा कांड हुआ है दिल्ली में। क्या आरोपियों को सजा मिली? हमारे यहाँ फांसी पे लटकाने की सजा मिल जाती है, उसे भी रोक दिया जाता है। क्या किसी देश में ऐसा कानून है? सिर्फ हमारे देश में है जहाँ ऐसा करा जाता है।